जब हमें आईबीएस होता है तब हमें धीरे धीरे जब ये क्रोनिक होता चला जाता है तो नले भी पड़ जाते हैं, नले पड़ते हैं, साथ ही साथ हमारा जो डायाफ्राम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगता है, वैसे हमारी सांस भी छोटी होने लगती है। तो आज जो मैं प्राणायाम आपको बताने जा रहा हूं, सिर्फ दो तीन प्राणायाम बताऊंगा जो कि आपको जो मैंने योगा बताया हुआ है उसके साथ साथ आपको ये प्राणायाम करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आपके जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे तो आपकी जो श्वास है वो लेने में परेशानी कम हो जाएगी। दूसरी बात, जो नले पड़े हैं वो भी आपके नले भी धीरे धीरे कम होंगे, ठीक है, क्योंकि योगा तो हम करते हैं, सब कुछ करते हैं, स्ट्रेचिंग भी करते हैं, लेकिन हमें जो डायाफ्राम है इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नले अगर पड़ गए तो धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर नले पड़ते जाते हैं, पेट टाइट होता जाता है, तो हमारा जो डायाफ्राम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। डायाफ्राम का मतलब जिसके ऊपर हमारा जो लंग्स है वो टिका हुआ रहता है। डायाफ्राम एक ऑर्गन ही होता है जो कि हमारे लंग्स के नीचे रहता है, ठीक है, तो उसको पुश करना बहुत जरूरी है। तो देखिए कि किस तरह से करना है, और आप जो योगा है उससे पहले कर लें तो बहुत जल्दी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, तो कैसे करना है वो देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से बैठ जाना है, आराम से सुखासन में बैठेंगे, उसके बाद में श्वास लेना है, धीरे धीरे श्वास लेंगे और पेट को फुलाएंगे। कई बार होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम सिर्फ अपने चेस्ट को फुलाते हैं लेकिन हम पेट को नहीं फुलाते, लेकिन जो आईबीएस की प्रॉब्लम है, नले की प्रॉब्लम है आपको, तो सांस फूलने की दिक्कत है, तो आपको चेस्ट नहीं फुलाना है, आपको पेट फुलाने वाला ज्यादा प्राणायाम करना है। तो ठीक है, देखिए कि किस तरह से करना है। देखिए, श्वास को धीरे धीरे खींचेंगे, तेज बिल्कुल भी सांस नहीं लेना है, श्वास धीरे धीरे लेंगे और अपने पेट को फुलाएंगे, ठीक। तो देखिए किस तरह से करना है, बिल्कुल हमारा जो पेट है बिल्कुल कंफर्ट होना चाहिए। मैंने धीरे धीरे श्वास लिया, श्वास को पेट पे फुला के रखा, 10 सेकंड तक मैंने काउंट किया, उसके बाद जो श्वास छोड़ा वो इस तरह से करके छोड़ा, क्योंकि होता क्या है जिनको कई सालों से कॉन्स्टिपेशन है, आईबीएस है, उनकी जो चमड़ी है बिल्कुल पतली हो जाती है। चमड़ी पतली क्यों हो जाती है, क्योंकि ब्लड के अंदर एसिड बढ़ गया होता है, ठीक है। तो ये वाला जो हम प्राणायाम करेंगे तो हम जब श्वास को इस तरह से करके निकालेंगे तब हमारे जो बॉडी है उसके अंदर से एसिड बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है, ठीक। दूसरी बात, जिनको ज़्यादा सर्दी है, जुखाम रहता है, उन्हें ये नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद में आपको कौन सा करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वापस दिखा देता हूँ। मैंने सारा जोर जो है प्रेशर चेस्ट पे नहीं रखा, पेट पे रखा, ठीक है। आपको भी पेट पे ही रखना है जिससे आपका डायाफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और जो नले पड़े हैं उनको भी वहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा जहाँ पर आपकी आते सिकुड़ी है या वहाँ पे दर्द आपको होता है, ठीक है। तो ये आपको कम से कम 10 बार करना है जो मैंने आपको बताया। श्वास लेना है धीरे 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 धीरे, पेट को फुलाना है, 10 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर इस तरह से छोड़ देना है। उसके बाद में आपको कौन सा आसन करना है वो देखिए, ठीक है। दोस्तों जो दूसरा है वो इस तरह से करना है, आपको लेट जाना है, इस तरह से लेट जाएंगे, उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से पेट फूलना चाहिए।
इस तरह से लेटना है, उसके बाद में श्वास को भरना है, श्वास को भर के भी पेट को ही फुलाना है। इस तरह से देखिए किस तरह करना है, देखिए धीरे धीरे श्वास लेना है। ये ध्यान रहे कि हमें श्वास लेना है बिल्कुल धीरे धीरे लेना है, इस तरह से देखिए। श्वास को धीरे धीरे भरना है, पेट को फुलाना है और 10 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना है, उसके बाद में सांस को धीरे 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 छोड़ देना है, ठीक है। ये आपको कम से कम 10 बार करना है, जो मैंने पहले आपको बताया वो भी 10 बार करेंगे और इसको भी 10 बार आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में आप सुखासन में बैठ जाएंगे, ठीक है। सुखासन में इस तरह से बैठ के हमें जो सबसे बेहतरीन एकदम सबको मालूम है कि ओंकार कैसे करना है, तो इस तरह से बैठ के सबसे लास्ट में हमें ओंकार भी करना है, तो डीप ब्रीथिंग लेनी है और डीप जो ओंकार है उसका भी ध्वनि जो है काफी लंबा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए किस तरह से करना है, श्वास हमें भरा वापस, इस तरह से ओंकार हमें गिन के 20 बार करना है, ठीक है। इसके बाद में मैं योगा का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से ओपन करके योगा भी कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप ये प्राणायाम कर लेंगे तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।